हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो संडे का दिन था, हम बाहर गए हुए थे बेबी के वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन नहीं हो पाया और बहुत लेट हो गया था, तो लंच हमने बाहर ही कर लिया था। क्या लेना है आपको? ये देखो ना, ये भी कलरफुल से देख के अट्रैक्ट हो रही है। क्या चाहिए मैडम आपको? आइएगा। तो यहाँ पर डुग्गू की शॉप है और डुग्गू अपनी शॉप लगाया है, टॉय शॉप, और उसकी फर्स्ट कस्टमर आई है उसकी सिस्टर। लेकिन डुग्गू ना बार्गेनिंग नहीं कर रहा है। और ये पैसा नहीं मिलेगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। बहुत सारे पैसे पैसे है। बट बेबी डोंट हैव मनी। बट बेबी इज योर सिस्टर ना। ओके, आई विल गिफ्ट। ओके, गिफ्ट। संडे का दिन था तो कहीं बाहर तो नहीं गए, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो घर पे ही पूरे टाइम रहे। पर काफ़ी अच्छा लगा, बेबी के साथ खेला, डुगू के साथ खेला। और इवनिंग में मैंने बनाया था ये चना चाट, जो कि काफ़ी यमी था, और हस्बैंड और मैंने जम के खाया और खूब बातें की। वो टॉयज़ की शॉप लगाया है और बोल रहा है मेरे शॉप पर कोई आ ही नहीं रहा है, और बहुत महंगा देता है, और पैसा देने के बाद भी अपनी टॉयज़ को वापस ले लेता है। हाँ, ऐसा करता है डुगू। पहले क्या करेगा, बोलेगा मनी ले लो, मनी दे दो, मनी दे देते हैं, टॉयज ले लेते हैं, उसके बाद वापस अपना टॉयज वापस लेता है, और अपनी सिस्टर को भी फ्री में नहीं दे रहा है टॉयज। ऐसा भाई है ये। मुझे मनी चाहिए, मनी चाहिए, अभी से मनी मोटिव है। और ये ना देखो मैंने कितना सारा बना दिया है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को भूख लगी, पता नहीं मैं फीडिंग कराती हूँ इसलिए क्या मुझे भूख जल्दी जल्दी लग जाती है। मौसम इतना खराब है ना कि पूरे घर में आप देख सकते हो कपड़े सूख रहे हैं, और फिर भी ये सूखने का नाम नहीं ले रहा है, और पता नहीं ये सूखेंगे भी कि नहीं। डुगू तो टॉयज की शॉप लगा के आजकल खेलता है ना, बहुत ही फनी वे में वो ऐसे बोलता है आ जाओ ढेर सारे टॉयज हैं, प्लीज़ मेरे शॉप से टॉयज ले लो, बैठना भी है, डिलीवरी भी हो सकता है। तो फाइनली उसके पापा उसकी शॉप पे गए हैं टॉयज लेने के लिए, जो कि वो देगा नहीं फाइनली। प्लीज़ इस कपड़े को इग्नोर करना, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और कपड़े सुखाने भी ज़रूरी है। देखो 3 दिन से सिर्फ बारिश बारिश और बारिश ही हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, कपड़े सुखाने भी तो ज़रूरी हैं, स्पेशली जबकि घर में बच्चा हो, ऐसे भी कपड़े तो निकलते ही हैं। तो खा लिया, और अब बारी है चाय की। वेट करती हूँ कि अच्छा चाय का टाइम कब आएगा, कब मैं चाय पीऊंगी। ऐसे चाय कौन कौन पिएगा? डुगू भी आजकल चाय पीता है। अच्छा कैमरा के लिए बोल रहे हो कि बाद में मांगोगे? मेरी बेटी सो रही है, और पता है 2 दिन से ना वो नाइट में मुझे बहुत परेशान करती है, दिन में सो जाती है और फिर मेरी नींद खराब करती है। जिधर देखो उधर कपड़े 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 ही हैं, जिसका भी कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे ना ऐसे मौसम पसंद नहीं है। आज मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना भी था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बैड मौसम, बैड वेदर, मैंने कोई इस तरह का प्लान नहीं किया। और मैं सोच रही हूँ कपड़े ना दिखे, मैं जहाँ जा रही हूँ कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। एंड डुगू भी हेल्पलेस है, क्योंकि उसकी शॉप से कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, इसलिए बन रही है मेरी चाय। ऐसा है कि चाय पिए। अच्छा चाय पीने छत पे चले, लेकिन छोटा बेबी लेके चले, चले चलो आज छत पे चाय पीते हैं। ये वीकेंड कुछ भी खास नहीं किया, पर पता है काफ़ी दिनों के बाद एक रिलैक्सिंग संडे निकला है, क्योंकि ना लास्ट 2 महीने से आपको पता ही है मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो क्या संडे क्या मंडे क्या फेस्टिवल कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद 2 वीकेंड्स में हस्बैंड एक में आउट ऑफ स्टेशन थे और एक में सुपर बिजी थे, तो ये 3rd वीकेंड है फाइनली जहाँ हमने पूरे दिन हम घर पे ही रहे, कुछ भी खास नहीं किया, पर फिर भी कुछ भी खास नहीं किया, पर ये संडे बहुत ही खास था, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत ही स्पेशल टाइम स्पेंड किया। और पता है ये जो टाइम होता है ना,
बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं तो वीकेंड्स का वेट करती हूँ, नॉट जस्ट कि हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं, आउटिंग पे जाने वाले हैं, क्योंकि फैमिली के साथ ये जो टाइम होता है ना, एक कप चाय का एक प्याला लेके और घंटों बातें करना, वाओ बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे टाइम हम यहीं पे कारपेट पे पड़े हुए थे, पता है जब से कारपेट डाले ना तो बड़ा ही कोजी कोजी सा लगता है, हम बहुत टाइम तक यहीं पर रहते हैं। शाम हो गई थी, करते करते बातें करते करते फिर मैंने शाम की दियाबाती की, आरती वगैरह की, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही स्वीट सिंपल सा वीकेंड्स गया, संडे गया। और होता है ना कि अगर आपका वीकेंड्स अच्छा जाए ना, तो पूरे वीक में ना आप रूटीन को फॉलो करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हो, एकदम फ्रेश हो जाते हो। कभी कभी तो मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को बाहर जाएँ, कुछ खा पी के बाहर से आ जाएँ। तो लंच तो हालांकि हम लोगों ने बाहर ही कर लिया था, ऐसा कुछ मूड नहीं था, लेकिन हाँ बेबी को वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लेट हो गया, तो लंच करना मजबूरी हो गई, क्योंकि घर आओ फिर कुकिंग करो, बेबी भी थी तो इसलिए किया। कुछ सिंपल सा ही खाया था हमने, मैं तो सूप पी थी और उसके बाद मैं घर का ही खाना खाई थी। आई थिंक हस्बैंड और वो डुगू ने खाया था बाहर, मैंने घर वापस आके खाया था। तो शाम की आरती करेंगे, डुगू को स्टडी भी कराना है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ ना कि वीकेंड्स पे डुगू को भी बहुत ही कम पढ़ाती हूँ। मतलब अगर ज़रूरी है कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क वगैरह है तो मैंने करा दिया, या कुछ स्पेशल चीज़ें उसे याद करानी, मतलब लाइट से कुछ भी पढ़ाती हूँ, ऐसा कुछ एवरीडे बेसिस पे जैसे रेगुलर वीकडेज में पढ़ाते हैं वैसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। उसका भी बर्डन बिल्कुल मैं लाइट से रखती हूँ कि नहीं वीकेंड्स वाला फील डुगू को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वही पार्टी करती थी तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए, और ये सारे कपड़े अलमीरा का है, क्योंकि मुझे इतनी वाली अलमीरा को सेग्रीगेट करना है। देखो मैंने पूरा ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, पर आज नहीं करूँगी। और आज के टाइम में जिधर भी देखो बस कपड़े कपड़े एंड कपड़े, ये देखो कपड़े, ये देखो कपड़े, ये देखो कपड़े, और वो देखो कपड़े। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है बैड वेदर को, मतलब इतना रेनी सीजन हो गया ना कि समझ नहीं आ रहा है, विंटर के टाइम में रेनी हो रही है। और चलिए अब खाना बनाते हैं, और मेरी बेबी भी उठू उठू कर ली है, ये देखो उठू उठू हो गया है इनका, शुशु शुशु भी खूब सारा कर ली है, सूप सारा शुशु शुशु कर ली है। दे कितना अच्छा इसको टैलेंट है ना अपना ही लिप पीने का, ये अपना खुद का लिप खुद पी लेती है। और पता है मैं इस हेयर स्टाइल से ना बहुत परेशान हो गई हूँ, ऐसे जो बन बन रहा है ना तो ये ऐसे लटका रहता है ना, तो मुझे इधर के हेयर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं इसी पोज में सबसे कम्फर्टेबल रहती थी इस हेयर स्टाइल में, और इतने लंबे बालों को खुला तो रख नहीं सकते। बोलो ना मैं अपने बाल कटा लूँ, कटा लो, ट्रिम करा लो, कटाने से ना तो ट्रिम कराने से मेरे को क्या रिलीफ मिलेगा, इतने छोटे छोटे बाल करा लूं, कभी कराए नहीं, ओए इतने छोटे छोटे हेयर करा लूं क्यों, चोर जैसी लगूंगी, हाँ चोर जैसी लगूंगी, बोल रहा है मैं चोर जैसी लगूंगी। अच्छा ये जब से डाले हैं बहुत कंफर्टेबल लग रहा है ना, पूरे टाइम यहीं पे रहते हैं अच्छा लगता है। और मेरा सच में मन कर रहा मैं हेयर कटा लूं, पर अच्छा भी लगता है। मैं आज तक रिकॉर्ड है कि जब भी हेयर कट ली हूँ मैं कभी भी हैप्पी नहीं हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी यार मैंने हेयर क्यों कट करा लिया। लेकिन कटाने में बहुत चुल होता है, मैं हर दिवाली में कटाती थी जब से मेरी शादी हुई है, पर आई थिंक ये पहली दिवाली है जिसमें मैं हेयर कट नहीं ली, क्योंकि घर का सिचुएशन ही थोड़ा अलग था और ये डुगू को पढ़ा रही थी तो ये कलर लग गया है। चलते हैं कुकिंग करने के लिए, और आज बनेगा भुजिया रोटी, है ना, मेरा भुजिया रोटी खाने का मन नहीं कर रहा क्या, सिंपल ऑप्शन बोलो, पर वैसे में यही खाना ही, ये कौन सा ऑप्शन है भुजिया रोटी, पर कोई बात नहीं चलते हैं और बनाते हैं भुजिया एंड रोटी। जब सब लोग खा लेंगे तो मैं भी खा लूंगी, सब लोग मतलब। तो चलते हैं खाना बनाते हैं, और मेरे चिक्स थोड़े रेड रेड लग रहे हैं क्योंकि मैंने रेड रेड किया है। मेरे घर में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो प्लान हुआ है वही बनता है, सडनली डिसीजन चेंज हो जाता है। तो मेरा तो भुजिया रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या खाने का मन था ये भी पता नहीं चल रहा था, टोटली कंफ्यूज थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि डुगू को खिला देते हैं, क्योंकि वो आफ्टरनून में सिर्फ लंच करके आया था, तब से वो कुछ नहीं खाया था। तो दो बॉयल आलू पड़े हुए थे, तो फटाफट से मैंने उसको फ्राई किया और आलू के पराठे बना के अपने बेटे को दे दिया, तो उसका तो डन हो गया। हस्बैंड को आलू के पराठे नहीं खाने थे और मुझे भी नहीं खाना था, तो अब मैं सोचती रह रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो काफ़ी सोचने के बाद, क्योंकि हस्बैंड बहुत सारा बोलते हैं चलो जोमेटो से कुछ मंगा लेते हैं, स्विगी से कुछ मंगा लेते हैं, बाहर चल के खा लो, लेकिन पता ही नहीं था ना खाना क्या है, पर इतना पता था कि भुजिया रोटी तो नहीं खानी है। तो फिर सोचते सोचते मैंने सोचा चलो तहरी बना लेते हैं, जिसमें बहुत सारे वेजेस भी रहेंगे और फीलिंग भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग राइस लवर हैं, तो राइस की कोई डिश भी कभी भी चल जाती है।
तो फटाफट से डुगू को बस पराठे बना के दे दिए थे, पर मेरा आलू का पराठा खाने का मन नहीं कर रहा था और उतनी स्टफिंग भी नहीं थी और मन भी नहीं था, मेन बात यह है। तो करते करते काफी लेट हो गए हैं, आई थिंक 8:30 हो गए हैं। तो फाइनली मैं तहरी बना रही, तो सारी तैयारियां मैंने कर ली है, ये सारे वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल थे लाइक बीन्स, पोटैटो, अनियन, टोमेटो एंड थोड़ा सा सोया चंक्स, लहसुन को यहाँ पे कूट लिया है, राइस को यहाँ पे सोक कर लिया है और कुकर को चढ़ा लिया है। तो फटाफट से 5 मिनट में बन जाएगी क्योंकि सारी तैयारी तो हो गई है। और मेरी बेटी क्या कर रही है, नंगू है क्या? फटाफट से और 5 मिनट वही बना, 5 मिनट वही बनाना जी। हाँ जैसे टाइम नहीं लगा, 5 मिनट में ही बना है, प्रिपरेशन नहीं बोल रही हूँ। हाँ, बनने में 5 मिनट लगा, बनने में 5 मिनट, तो प्रिपरेशन में कटिंग चॉपिंग में तो टाइम लगते ही है ना। तहरी एंड इसको मैंने सिंपल से कर्ड के साथ सर्व किया है, टेस्ट है क्या, टेस्ट करके बता दी। बहुत अच्छी बना, उस दिन की बिरयानी जो अपन लेकर आए थे ना उससे भी ज्यादा अच्छी है। हाँ, यहाँ की बिरयानी बेकार थी, हम लोग ढूंढ के लाए थे। सॉरी, क्या बिरयानी खानी है? बैंगलोर में बिरयानी मिलती है? बैंगलोर में मिलता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पर हमने मतलब हमारे नियर अबाउट ही देखते, ऑब्वियसली हम बहुत दूर और सा सर्च करके नहीं गए थे। तो आज का संडे थोड़ा लेजी लेजी नहीं रहा, मौसम भी लेजी था, संडे कुछ ऐसा ही रहा, आप सोएंगे दूध वगैरह पी के। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, डू से बाय बाय, गुड नाइट। मोबाइल लिए इसलिए नहीं बोल पा रहे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। और मेरी बेटी भी वहां पे है, सो बाय बाय, वो भी देख रही है, मेरे को ही देख रही है यार। सो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।